तो गाइस आज मैं आपको चैप्टर वन साइंस स्किल्स पढ़ाने वाला हूँ। तो व्हाई डू साइंटिस्ट यूज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर ये क्लास सिक्स के लिए है। फॉर टेकिंग द पार्टिकुलर रीडिंग एंड मेकिंग द परफेक्ट कैलकुलेशन, साइंटिस्ट्स यूज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको समझ में आ गया, बताइए मुझे। रुके एक मिनट, घंटी बज रही है, दरवाज़ा खोल लूँ। तो ठीक है दोस्तों, विच यूनिट्स, दूसरा क्वेश्चन पे आ गए। विच यूनिट्स आर यूज टू मेजर पैरामीटर्स और यूनिट्स। ये पैरामीटर्स हैं वॉल्यूम, लेंथ, मास, टाइम। और जिसको समझ में आया वो नीचे कमेंट में बताओ और थैंक यू लिख देना अगर जिसको समझ में आ गया तो। ये देखो, इसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है मिलीमीटर और सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। और लेंथ का है क्यूबिज्म, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर सेंटीलीटर लीटर। और मास का है मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम। और ये टाइम का है सी मतलब केल्विन कुछ होता है। और ये है फ्रैंकलिन और ये केल्विन। फ्रैंकलिन नहीं, वो तो GTA 5 में होता है, मजाक कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या है, पता तो था पर मुझे अभी भूल गया है। तो दोस्तों आपको अगर मुझे याद आ जाएगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, वरना मैं कमेंट में लिख दूँगा, कमेंट बॉक्स में। मेक अ लिस्ट फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन योर होम। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू। मेक द लिस्ट फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन योर होम। रूलर पहला, दूसरा है मेजरिंग टेप, तीसरा है मेजरिंग सिलेंडर, चौथा है फ्लास्क और पांचवा है वेटिंग स्केल और मशीन। तो अगला पेज खोलते हैं। अभी ये देखें आप, इलेक्ट्रिकल बैलेंस भी है, थर्मामीटर भी है, स्टॉप वॉच भी है और बाकी ETC वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं आपको 5 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा यहाँ तक, ठीक। तो बाकी अगले पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा कल, ठीक है। तो अभी चौथा पढ़ते हैं। व्हाट इज डेटा? साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होती है ना, वो कहलाती है डेटा। चलो अब वाई टेबल्स आर ड्रॉन। टेबल्स क्यों ड्रा करते हैं? टेबल्स आर ड्रॉन टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एनी डेटा अबाउट एनी डेटा। टेबल्स जो हैं ड्रॉन करते हैं क्योंकि वो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन होती है, उसके लिए हम डेटा की जो इंफॉर्मेशन होती है ना, जो हमने यहाँ पे बड़ा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो होती है ना डेटा की, वो हम टेबल्स पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहीं तक था हमारा 5वां क्वेश्चन। तो बाकी हम पढ़ेंगे और अगले दफ़ा हम लोग फुल चैप्टर कर लेंगे, फर्स्ट चैप्टर फुल कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।